हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फ्रेंड्स, आज मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में डिफरेंस क्या है। फ्रेंड्स, मैं इससे पहले एक वीडियो डाल चुका हूँ अपने चैनल पे, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता क्या है, बनता कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। वो पूरा वीडियो है जहाँ से आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं फ्रेंड्स और डिस्कस करते हैं मेन डिफरेंस क्या है फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में देखते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फर्स्ट डिफरेंस है दी ऑब्जेक्ट इज एज्यूम टू वी प्लेस फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज्यूम होता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। इन द केस ऑफ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वह थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक्स करता है। कहाँ प्लेस होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए इनको हम बोलते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट, दी ऑब्जेक्ट इज लाइक्स इन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। फ्रेंड्स, जो ऑब्जेक्ट होता है मेरा, जो ऑब्जेक्ट जिसे हम ड्रॉ करना होता है उनको, जो हमेशा लाइक होता है किसके बीच में? ऑब्जर्वर एंड प्रोजेक्शन के बीच में फ्रेंड। लेकिन इन द केस ऑफ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन फ्रेंड ऐसा नहीं होता है, वह होता है ऑब्जर्वर एंड ट्रांसपेरेंट जो मेरा प्लेन होता है उनके बीच में लाइक्स करता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट, थर्ड डिफरेंस, द राइट हैंड साइड का जो व्यू होता है हमेशा लेफ्ट में बनता है और जो लेफ्ट हैंड साइड का व्यू होता है हमेशा राइट में बनता है। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ फ्रंट व्यू है, यहाँ टॉप व्यू है फ्रेंड्स, और मेरा यहाँ पे एक्चुअली क्या है, यहाँ पे मेरा राइट साइड है लेकिन इमेज क्या बन रहा है यहाँ पे लेफ्ट हैंड में। ये मेरा क्या है एक्चुअली? लेफ्ट हैंड है लेकिन इमेज क्या बन रहा है यहाँ पे? राइट हैंड में फ्रेंड्स। तो यहाँ उल्टा हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड का इमेज बनता है राइट हैंड में एंड राइट हैंड साइड का इमेज बनता है लेफ्ट हैंड में। और इन द केस ऑफ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऐसा नहीं होता है, जो लेफ्ट का इमेज लेफ्ट में बनता है, राइट का इमेज राइट में बनता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड डिस्कस करते हैं हम लोग, नेक्स्ट डिफरेंस, द फ्रंट एलिवेशन इज ऑलवेज अबव टू टॉप व्यू ऑफ प्लान। तो इसमें होता क्या है, जब फ्रंट व्यू हमेशा ऊपर बनता है, इसमें फ्रंट व्यू ऊपर बनता है और टॉप व्यू हमेशा नीचे बनता है। जो आप इससे पहले पॉइंट में यहाँ पे आप देखे होंगे, फ्रंट व्यू ऊपर था और टॉप व्यू नीचे था। इन द केस ऑफ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन फ्रेंड्स, आप हमेशा टॉप व्यू ऊपर बनेगा और फ्रंट व्यू इसमें नीचे बनेगा फ्रेंड्स। फ्रेंड, फिफ्थ पॉइंट में आप यहाँ फिगर में डिफरेंस देख सकते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इस तरह का फिगर ड्रॉ होता है और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रेंड इस तरह का बेसिकली फिगर ड्रॉ होता है। फ्रेंड्स, ये फाइव मेन डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स एंड हैव लाइक द वीडियो एंड हैव कमेंट द वीडियो इफ इन एनी इंक्वायरी एंड शेयर विद फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।